अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अच्छा तो फ्रेंड्स, आज जो रिश्ता है माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा सा है, लेकिन फ्रेंड्स रिश्ते की डिटेल्स जो है मैं आपको दूंगी, लेकिन फ्रेंड्स रिश्ते की डिटेल्स की जानिब जाने से पहले उस भाई को मुबारकबाद देना चाहूँगी जो कि रिश्ते के लिए सिलेक्ट हुए हैं। नाम उनका मैं अनाउंस करने लगी हूँ। नाम उनका है बाबर साहिब है, और ये जो है सऊदी अरेबिया में रिहाइश पजीर हैं, पाकिस्तानी लेकिन वहाँ पर सेटल हैं, वहाँ जॉब करते हैं। बहुत बहुत मुबारक हमारी पूरी टीम की तरफ से कि इनके रिश्ते की सिलेक्शन हो गई है। अच्छा तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपका भी रिश्ता तय हो तो आपने क्या करना है, एक तो आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो सेंड करनी है, अपनी पिक्चर सेंड करनी है, अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड करना है ताकि आपके भी रिश्ते की सिलेक्शन हो। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपको रोज़ाना के रिश्तों से आगाही हासिल हो तो आपने क्या करना है, मेरी वीडियो के नीचे बेल आइकन का बटन है उस पर लाजमी क्लिक करना है ताकि रोज़ाना की जो वीडियोस अपडेट्स होती हैं, रिश्ते होते हैं, उनसे आप आसानी से आगाह हो सकें। और फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना भी होता है ताकि आपको जल्द अज जल्द जो है अच्छे रिश्तों की आगाही हासिल हो सके। अच्छा तो फ्रेंड्स, आज का रिश्ता जो है वो आप नोट फरमा लीजिए। बहुत ही अच्छा सा है, प्यारा सा रिश्ता है और प्यारी सी फीमेल का रिश्ता है। लड़की का नाम फ्रेंड्स कहकशां है, यतीम है, बेसहारा है, मजबूर है। एज इसकी जो है 32 साल है, लगती नहीं है 32 साल की, लेकिन 32 साल है। इसका कहना है कि मुझे कोई अच्छा जीवन साथी चाहिए। सलीम स्मार्ट होने की वजह से लगती नहीं है कि ये 32 साल की है, लेकिन फ्रेंड्स 32 साल की है। और इसका कहना है कि मेरे होने वाले शोर की एज जो है 30 से 50 के दरमियान या 55 के दरमियान हो तो वही जो है रابطہ कर सकता है। बहुत प्यारी सी है, खूबसूरत सी है, बेचारी यतीम है और कोई बहन भाई नहीं है। इसको सहारा चाहिए, मजबूर है, अपने रिलेटिव्स के यहाँ रहती है। कहती है कि कोई जीवन साथी मिले तो मैं शादी कर लूँ, अपने घर की हो जाऊँ, इनसे जो बोझ है हट जाए। सो फ्रेंड्स, अगर आप में से कोई इस लड़की से शादी का ख्वाहिशमंद हो तो रابطہ कर सकता है। बेचारी के माँ बाप वफात पा चुके हैं, एक हादसे में वफात पा गए थे, कार एक्सीडेंट हुआ था जिस वजह से दोनों ही जाँबहक हो गए, वफात पा गए। तकरीबन फ्रेंड्स 3 साल हुए हैं इसके वालदैन को वफात हुए। अब बेचारी जो है अपने गम से थोड़ी सी निकली है। सारी बात है फ्रेंड्स, जिसके वालदैन चले जाएं तो उसका दुनिया में क्या रहता है। बहुत परेशान थी बेचारी, अब थोड़ी जो है सब्र में आई है और कहती है कि मैं शादी कर लूं, अपने घर की हो जाऊं। अगर फ्रेंड्स किसी को ये लड़की पसंद है तो प्लीज़ जल्द अज जल्द रब्ता कीजिए। आई होप आज का रिश्ता जो है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और इसका कहना है कि चाहे रिश्ता पाकिस्तान में मिले या पाकिस्तान के बाहर, मंजूर है। अगर फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर।